आचार संहिता लगने के बाद इंदौर में गरबे के दौरान रात 10 बजे के बाद डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगने को लेकर इंदौर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन त्योहारों के शहर इंदौर में नवरात्रि के अवसर पर गरबे पांडाल सज गए हैं। ऐसे रात 10 बजे के बाद गरबे में डीजे और लाउडस्पीकर प्रतिबंध करने को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता कलेक्टर से चर्चा करने पहुंचे और रात 11 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया। शहर कांग्रेस प्रवक्ता अनूप शुक्ला का कहना है कि आचार संहिता में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद करने से छोटे छोटे बच्चों की मेहनत खराब हो जाएगी। महीने भर से बच्चियां प्रैक्टिस कर रही हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिससे ढोल का किराया देना मुश्किल होगा। इनसे हम लोगों ने आज मुख्य सूचना आयुक्त ओपी रावत जी के नाम का ज्ञापन इंदौर के जिलाधीश महोदय को दिया है और यह कह के दिया है कि जो नवरात्रि शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं और शारदीय नवरात्रि में आचार संहिता लग गई, जिसके तहत कि रात को 10 बजे पश्चात वो यंत्र नहीं उपयोग कर सकते, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ समस्याएं बच्चे जो हमारे एक माह से बेटे बेटी परिवार की जो महिलाएं थी माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए जो वो गरबे की प्रैक्टिस कर रही थी, उन लोगों को रात को 10 बजे पश्चात वो लोग अपना ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग नहीं कर सकते। कलेक्टर साहब का ऐसा भी कहना है कि आप लोग उसके लिए ढोलक तबले और हारमोनियम अलग से मंगाएं, तो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोग यह चीज़ डबल डबल पैसा दे के नहीं सकते, सिर्फ गरीब वर्ग बड़े पंडाल वाले लोग ये कर पाएंगे। उसके विरोध स्वरूप हमने आज यहाँ पर उनको ज्ञापन दिया है और साथ ही ओपी रावत जी को यह जो हमारा ज्ञापन है वह ईमेल भी कर दिया है और उनसे मांग करी है कि 10 बजे के बजाय इसको 11 बजे तक का ध्वनि विस्तारक यंत्र की परमिशन दी जाए। बहरहाल आचार संहिता का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अब देखना होगा कि लोकतंत्र के पर्व चुनाव और आस्था के पर्व नवरात्र में प्रशासन किस तरह से सामंजस्य बैठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।